बिना फोम कैनन से, बिना प्रेशर वाशर से जो फोम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, जैसे आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया क्वालिटी का। दोस्तों आज के ये जो वीडियो है, आप में से जिन लोगों के पास प्रेशर वाशर या फिर फोम कैनन नहीं है तो कृपया वीडियो के साथ बने रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आप बिना प्रेशर वाशर फोम कैनन का यूज किए ही कैसे बढ़िया क्वालिटी से जो है सिंपली कार शैम्पू की मदद से फोम प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने कार या फिर बाइक को बढ़िया क्वालिटी से फोम वॉश कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में एकदम नया ट्रिक्स आपको दिखाएंगे जो कि आज तक किसने नहीं दिखाया। तो चैनल में नया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कार और बाइक रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल में हम लाते रहते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा सिंपल और बेसिक सा जुगाड़ जिसकी मदद से हम फोम प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप, एक शैम्पू है, कोई भी कार शैम्पू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दो बाल्टी मैंने लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं चार स्पॉन्ज मैंने लिया है। ये वाला जो स्पॉन्ज है, ये सोफ़ा वगैरह के अंदर में जो स्पॉन्ज रहता है वही वाला स्पॉन्ज है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी स्पॉन्ज को परचेस कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर स्पॉन्ज का परचेस लिंक भी दे रखे। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर मैंने चार स्पॉन्ज लिया है। आप चाहे तो चार से ज़्यादा भी ले सकते हैं, चाहे तो चार से कम भी ले सकते हैं। जितना स्पॉन्ज लेंगे आपको फोम प्रोड्यूस करने में टाइम भी उतना ही कम लगेगा। इस वाले बाल्टी में दोस्तों जो है हम थोड़ा सा जो है पानी लेंगे इसके अंदर में, देखिए बस थोड़ा सा मात्रा में। इसके बाद जो है ये वाला जो स्पॉन्ज, चार स्पॉन्ज हमने लिए थे, इसको इस तरीके से इसके अंदर में रख देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शैम्पू डालेंगे, देखिए। तो इस शैम्पू को दोस्तों थोड़ा सा मात्रा में लेने से ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं ताकि फोम का क्वालिटी जो है अच्छी प्रोड्यूस हो। इसके अंदर में जो है इस तरीके से पानी मिला देना है, देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाले चार स्पॉन्ज को इस तरीके से घुमा घुमा के जो है शैम्पू को इस तरीके से प्रोड्यूस कर लेना है, देखिए। अभी देखिए दोस्तों ये वाला जो बाल्टी है इसमें हम फोम प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी जो दोस्तों चारों स्पॉन्ज है एक साथ, चारों स्पॉन्ज को इस तरीके से लेना है। अभी देखिए इस तरीके से लेने के बाद जो इस तरीके से निचोड़ना है, देखिए देखिए क्या निकल रहा है दोस्तों, देख लीजिए, देखिए क्या निकल रहा है हाथ में, देखिए पूरा जो है फोम प्रोड्यूस हो। तो इस तरीके से जो है दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें फोम प्रोड्यूस करने में, देखिए दिखा देते हैं आपको, देखिए पूरा गाढ़ा गाढ़ा जो है फोम प्रोड्यूस हुआ। इस तरीके से स्पॉन्ज को जब पानी में, मतलब शैम्पू पानी में ऐसे डुबोने के बाद जब इस तरीके से हाथ से निचोड़ते हैं तो देखिए शैम्पू जो है ऑटोमेटिकली फोम में कन्वर्ट हो जाता है स्पॉन्ज की मदद से, देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं, देखिए किस तरीके का जो है फोम प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा फोम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, देखिए। पानी से वॉश कर देते हैं सबसे पहले। डायरेक्टली जो स्पॉन्ज है जिसकी मदद से, मतलब जिसको निचोड़ के हमने फोम प्रोड्यूस किया था, इसी स्पॉन्ज की मदद से डायरेक्टली यहाँ पर फोम को लगा देते। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया क्वालिटी से जो दोस्तों फोम यहाँ पर डायरेक्टली निकल रहा है, आप जैसे देख सकते हैं। यहाँ पर वापस इसको डुबोना है और इस तरीके से जो देखिए, देखिए दोस्तों पूरा फोम कैनन से जैसा फोम प्रोड्यूस होता है वैसा ही हो रहा है, लेकिन फोम कैनन से जैसा पूरा लगा दे सकते हैं कि झटके में वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी जो फोम का क्वालिटी है आप देख ही सकते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी से जो दोस्तों यहाँ पर फोम प्रोड्यूस है। ये वाला जो फोम है आप देख सकते हैं कितना स्लोली स्लोली नीचे की तरफ जो है जा रहा है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपको फोम का क्वालिटी थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए देखिए दोस्तों कितना बढ़िया क्वालिटी का जो है फोम है, देखिए बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों फोम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। इतने स्लोली स्लोली जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा और पास से दिखाते हैं, देखिए कितना स्लोली स्लोली नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी का फोम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए बिना फोम कैनन से, बिना प्रेशर वाशर से जो फोम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, जैसे आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों। देखिए दोस्तों तो इतने पोर्शन में ही लगा दिए, बाकी के जो फोम है डायरेक्टली इसके ऊपर में डाल देते हैं। देखिए अभी देखिए दोस्तों जितना हाथ से ऐसे करेंगे, देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का जो है फोम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। देखिए देखिए जैसे जैसे स्पॉन्ज को ऐसे निचोड़ रहा हूँ वापस से जो फोम यहाँ पर निकल रहा है, देखिए
कितना बढ़िया क्वालिटी का फोम है, आप खुद ही देख लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, अब इस स्पॉन्ज को साइड में रख के दिखाते हैं। देखिए बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी का जो है दोस्तों यहाँ पर फोम प्रोड्यूस हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। देख लीजिए, देख लीजिए, बहुत बहुत बढ़िया वाला जो फोम है एकदम स्लोली स्लोली, मतलब ऐसा लग रहा है कि फोम चिपक गया है लेकिन एकदम स्लोली स्लोली जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो एकदम बढ़िया क्वालिटी से जो दोस्तों फोम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। अभी सिंपली जो है माइक्रोफाइबर स्पॉन्ज की मदद से आपको इस तरीके से इसे रब करना है। देखिए इस तरीके से रब कर देना है। तो यहाँ पर इतने पोर्शन में बोनेट और लेफ्ट साइड के पोर्शन में आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको पूरा गाड़ी में इसी प्रोसीड्योर में करना है। साथ ही साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके फोम को ज़्यादा मात्रा में निकालना है ताकि पूरा गाड़ी जो है आपके वॉश हो जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।